यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा सरकार ने सोमवार को तुरंत प्रभाव से 2 IAS एवं 4 HCS अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे जगदीप सिंह को सिंचाई विभाग का विशेष सचिव और HSMITC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और वित्त विभाग के विशेष सचिव भूपेंद्र सिंह को खेल एवं युवा मामले के निदेशक और विशेष सचिव और वित्त विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और PWD BNR के विशेष सचिव पंकज चौधरी को अपने वर्तमान कार्यभार के अलावा व्यापारी कल्याण बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। सिंचाई विभाग के विशेष सचिव HSMITC के प्रबंध निदेशक और HSVP पंचकुला के प्रशासक राम स्वरूप वर्मा को रोहतक नगर निगम का आयुक्त और हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। पानीपत नगर निगम के आयुक्त शिव प्रसाद को HSVP पंचकुला का प्रशासक लगाया गया है। रोहतक नगर निगम के आयुक्त प्रदीप कुमार एक को पानीपत नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है। नहीं, उसके लिए पूरी तरह से ये इसकी जांच होगी कि क्या वाकई ऐसी कोई इमरजेंसी थी जहां सरकार को मिसगाइड करके इस प्रकार का हेलीकॉप्टर मंगाने की कोशिश की हो सकती है। खर्चा भी उन्हीं पे डाला जाएगा और उसके जांच के बाद ही होगा। अगर बेवजह किया गया होगा तो फिर उसके मुताबिक कार्रवाई भी होगी। सर एलिगेशन मिनिस्टर आपको जानकारी नहीं है सर, कोई एक्शन लेंगे? जयराम ठाकुर आपको लिखने वाले हैं सर, उन्होंने लिख के आने से फिर बात करें।